दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न पे लेटर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि लास्ट वीक ही मैंने आपको एक कंपनी के बारे में बताया था जिसने मोबाइल फोन को लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों, लॉकडाउन में भी मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं वो बात समझ में आता है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट जिन्होंने लॉन्च किया है अमेज़न पे लेटर। जी हाँ दोस्तों, नाम सुन के लग रहा होगा कि अमेज़न ही रहेगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही। लॉकडाउन के बीच में ग्राहकों की मदद करने के लिए अमेज़न इंडिया ने अमेज़न पे लेटर नाम का सर्विस शुरू की है। दोस्तों, इस सर्विस के तहत कंपनी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड दे रही है ताकि खरीदारी करने के बाद वो आसानी से भुगतान अगले महीने या फिर ईएमआई के तरह कर सके। फिलहाल तो दोस्तों, जैसे कि हर कंपनियां करती हैं, ये सर्विस को कुछ ग्राहकों के लिए ही लॉन्च किया है, लेकिन बाद में इसे ज्यादातर ग्राहकों के लिए लागू कर दिया जाएगा जिससे इसका फायदा बाकी लोगों को भी मिल सके। जैसे कि अगर कोई भी ग्राहक 12 महीने के लिए अगर ईएमआई का विकल्प चुनता है तो उसे हर महीने ईएमआई पर करीबन 1.5 से 2% का ब्याज देना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, अमेज़न पे भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि नो कॉस्ट ईएमआई पर बेचे जा रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वहां पे आपको कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। अमेज़न पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल आप अपने मासिक बिल, इसके अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल, रिचार्ज के तहत भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक लॉकडाउन में घर का सामान जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए डीमार्ट या फिर किसी भी ग्रोसरीज के शॉप पे जाते हैं, वहां पे भी दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये तो भाई फ्लिपकार्ट ने भी किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने किया है बात सही है, लेकिन अब अमेज़न भी लॉकडाउन के समय से लॉन्च किया है तो थोड़ी अलग बात है। अब तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आने वाला कुछ समय जैसे कि मार्केट में आता है तो इसे मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिए, अगर नहीं पसंद आता तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट कीजिएगा कि आपको क्यों पसंद नहीं आया। तो चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।